पौधों की हरियाली में सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है। इनकी उपासना से जीवन ही नहीं बल्कि आपका भाग्य भी संवर सकता है। जानकारों की माने तो जिनकी कुंडली में जिस ग्रह से जुड़ी समस्या हो उसी से संबंधित पौधा लगाना चाहिए। ग्रह बाधा दूर करने के लिए कौन सा पौधा लगाना होता है सर्वोत्तम, जानिए। पौधे संवारेंगे आपकी किस्मत। दूर हो जाएगी घर में धन की परेशानी। मिटेगा क्लेश, घर आएगी शांति। ग्रहों को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है पौधे लगाना, क्योंकि पौधों से जुड़ा है आपकी कुंडली का संबंध। हर इंसान की जीवनचर्या अलग होती है, इसलिए कुंडली की स्थिति भी अलग अलग ही होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिनके कुंडली में जिस ग्रह से जुड़ी समस्या हो उसी से संबंधित पौधा लगाना चाहिए। हर ग्रह की शांति के लिए अलग अलग वृक्ष के रोपण का विधान है। देखिए, हमारे ज्योतिष में भी, हमारे धर्म में भी वृक्षों का विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इस समय जो है लोग रत्न धारण करते हैं। यदि कोई रत्न धारण नहीं कर सकता है उसके लिए वह औषधियां हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में उल्लेख है। जैसे सूर्य ग्रह किसी के अनुकूल नहीं है तो मंदार के जड़ का एक दिन पहले निमंत्रण दे करके वो जड़ ले करके विधान पूर्वक और उसका विधि विधान से प्रतिष्ठित करके यदि वो धारण करता है तो उसको जिस प्रकार हम माणिक पहनते हैं माणिक की तरह फल हमको देता है। सूर्य को बेहतर करने के लिए घर के द्वार के आसपास मदार का पौधा लगाएं। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए घर के पीछे की ओर चंदन या बेला का पौधा लगाएं। मंगल को बेहतर करने के लिए घर के मध्य या पीछे की ओर आंवले का पौधा लगाएं। बुध को बेहतर करने के लिए घर में कहीं भी दूब लगाएं। बृहस्पति को बेहतर करने के लिए घर के पीछे केले का पौधा लगाएं। शुक्र को बेहतर करने के लिए घर के पीछे हर सिंगार का या पारिजात का पौधा लगाना शुभ होगा। शनि को मजबूत करने के लिए घर के द्वार के आसपास शमी का पौधा लगाएं। राहु केतु के लिए घर के मध्य में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ होगा। वेदों में प्रकृति की उपासना को ही सर्वोपरि बताया गया है। हवन और यज्ञ को ही देव स्तुति का साधन माना गया है। इसी को आधार मानकर ज्योतिषीय गणनाएं कहती हैं कि घर के आंगन से लेकर घर की बगिया तक में बोया गया पेड़ न केवल आपके संकट दूर कर सकता है बल्कि आपके कुंडली के ग्रह दोषों को भी दूर कर सकता है। तो ग्रहों से संबंधित पौधों की उपासना कैसे करें ये भी समझिए। मदार में रोज जल डालें, रविवार को सुबह इस पर तिलक लगाएं। बेला या चंदन को साफ सुथरा रखें, हो सके तो इसके नीचे दीपक जलाएं। आंवले के नीचे बैठकर मंगल के मंत्रों का जाप करें। धूप की छटाई करते रहें, थोड़े से धूप रोज गणपति को चढ़ाएं। केले में रोज जल डालें, उसके नीचे बैठकर बृहस्पति के मंत्र जप करें। हर सिंगार की सफाई करते रहें, इसके फूलों को चुनकर शयन कक्ष में रखें। शमी के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे के नीचे रोज शाम को घी का दीपक जलाएं। हर पौधे को लगाने के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं। अगर इन नियमों को ध्यान में रखकर पौधे लगाए जाएं तो इनसे जीवन ही नहीं भाग्य भी संवर सकता है।
जिस नक्षत्र में आपका जन्म है या जिस राशि में आपका जन्म है, आप उस प्रबुद्ध ज्योतिषी से मिलकर के बता पूछ लीजिए कि किस दिन वो नक्षत्र पड़ रहा है या वो राशि किस दिन है। उसके एक दिन पूर्व उस वृक्ष को कहीं से ले आवे और एक स्थान निर्धारित कर ले। जितने समय वह नक्षत्र रहेगा उसी समय उसको वहां पर रोपण करना है, उस वृक्ष को स्थापित करके उसमें पहले शुद्ध जल से उनको स्नान कराकर वहां पर धूप दीप दे करके उस वृक्ष को कोई आम वृक्ष न समझ करके उसको साक्षात वो नक्षत्र का वृक्ष या ग्रह का वृक्ष मान करके उस देवता की आराधना करें। बस यही विधान है वृक्षों को लगाने की। कभी भी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने पौधा न लगाएं। पौधे ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय ही लगाएं। दूधधार या कांटेदार पौधे घर में न लगाएं। घर में लगे हुए पेड़ इतने बड़े न हो कि उनकी छाया घर पर पड़े। घर में बिना सुगंध के फूलों वाले पौधे न लगाएं। केले का पेड़ कभी भी घर के मुख्य द्वार पर न लगाएं। पौधों में रोज जल अर्पित करें। संबंधित दिन को उस पौधे की पूजा उपासना करना उत्तम होता है। तो घर में अपने अनुकूल पौधे लगाइए, फिर कुंडली के कमजोर ग्रह मजबूत होने लगेंगे और खुशहाल हो जाएगी आपकी जिंदगी।